दाईज पर बैठे हुए लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि थोड़ी देर इस मुशायरे को मुशायरा बनाइए। मैं चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, दुआएं मांगता हूं आपसे, पढ़ता हूं साहब। के चाय वाले बाबू को थोड़ा सा आपको अपने रंग में लाने की कोशिश करता हूं, फिर इंशाल्लाह बहुत कुछ सुनाऊंगा, बहुत नया सब सुनाऊंगा। बहुत अच्छा तुमने, मैं मोहिन भाई से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के लिए आ जाए, क्योंकि आपकी इधर माइक के बगल जो सोफे खाली पड़े हैं उस पर जरूरत है। पढ़ता हूँ साहब, मेरी माई बहने बैठी हैं, आपसे भी गुजारिश कि आपकी भी दुआ मिले, क्योंकि आपकी दुआ जिसे मिल जाए उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती है। तो थोड़ा सा आप सबकी भी शुक्र है। पढ़ता हूँ साहब, चाय वाले बाबू को चाय मेरा इशारा समझिएगा, मैं जहां तक पहुंचा रहा हूं आपको। चाय वाले बाबू को चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। अच्छा पहले से ही था, ये नया अंदाज निकाला है भीड़ वालों ने दाद देने का, भाई कमाल है, अपने आप में अनूठे लोग हैं। अबरार भाई अगले किसी मुशायरे में इनको यहाँ से एक्सपोर्ट करके ले चलने लायक है, ताकि ये जो दाद देने का तरीका है वो आगे भी बढ़ सके। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी। और अगले दो जो मिसरे हैं वो मेरे अंदर पल रही कुढ़न के मिसरे हैं, पिछले तकरीबन 1.5 साल होने को आ रहे हैं। मैं जो नाम आपके सामने रखने जा रहा हूं, इंशाल्लाह आप उस दर्द के एहसास तक पहुंचेंगे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। चाय से बचेंगे तो उधर अभी जो नई छत बन रही है उस पर जो चार लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आपकी भी दाद मिलनी चाहिए, सबसे ज्यादा निशाने पर आप लोग हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की मां की हाय लेके बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय लेके डूबेगी, चाय से बचे तो गाय लेके डूबेगी, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की। बहुत शुक्रिया,
बहुत मोहब्बत है, आपने जो दाद दी है इंशाल्लाह इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं, और इसी तरह आप सुनते रहे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको और मोहब्बत से सुनाऊं। आगे जो दोस्त बैठे हैं आपसे भी गुजारिश है कि आपकी भी शिरकत हो। मैं चार किस्से और पढ़ता हूँ, बहुत खूबसूरत ये मुशारा है। और धनंजय भाई एक बात के लिए आपको सलाम करता हूँ, आज पहली बार आपसे मुलाकात हुई, पहली बार आपको सुना, नाम बहुत सुन रखा था लेकिन आज आपको सुनने का मौका मिला। आज दिल से ये बात कह रहा हूँ कि परली वालों आप खुशनसीब हो कि एक बहुत नौजवान और डायनेमिक लीडर आपके नसीब में है। सच बात तो ये है कि धनंजय भाई को सिर्फ यहाँ महाराष्ट्र की नुमाइंदगी महाराष्ट्र में नहीं करनी चाहिए, इनकी जरूरत दिल्ली को है, क्योंकि नफरत वाली ताकतें दिल्ली में ज्यादा काबू है। तो हम दुआ करते हैं कि पूरा देश आपको देखे। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं अबरार भाई, हमारे यहाँ मुशायरे होते हैं, शमा रोशन होती है, फीते कटते हैं, और जो मेहमान खुसूसी होता है वो थोड़ी देर बाद सरक लेता है, मुशायरे में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाता। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो हम शायर लोग हैं, हम कलमकार लोग हैं, हम आईना हैं, और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। अगर धनंजय भाई बैठे हैं तो इसका मतलब दामन कहीं ना कहीं साफ सुथरा है, और खुदा इस दामन को इसी तरह साफ सुथरा बचा के रखे, क्योंकि वक्त बहुत मुश्किल है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि प्यार की और अम की हर ज़हनियत खतरे में है। जरा सुन के बताना, प्यार की और अम की हर ज़हनियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की अहमियत खतरे में है, ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। उठे आपकी तालियों का शोर और जाए दिल्ली तक, कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, प्यार की और अमन की हर ज़हनियत खतरे में है, ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। आज अपने मुल्क में जम्हूरियत खतरे में है, आज अपने मुल्क में बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। दोबारा के मेरे ख्याल है दोबारा के बजाय बार बार न पढ़वा करके ज्यादा पढ़ने की कोशिश करूं तो अच्छा रहेगा। चार मिसरे और पढ़ता हूँ कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। मैं परली में खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ रहा हूँ कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। मुल्क बहुत अजीब दौर से गुजर रहा है, राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बना रहे हैं, मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। एक बार बादशाह तैमूर लंग के दरबार में
एक अंधे शख्स ने कोशिशें करी जाने की तो दरबानों ने रोक लिया, लेकिन वो भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। बादशाह तक खबर पहुंचाई गई कि एक अंधा शख्स से वो मिलना चाहता है। जब उसने बड़ी कोशिशें करी तो बादशाह को तरस आया और उन्होंने अपने दरबार में बुलवा लिया और दूर से आवाज लगा के उससे पूछा, क्यों रे अंधे शख्स, तेरा क्या नाम है? तो शख्स ने बहुत रौब से कहा कि मेरा नाम दौलत है। तो तैमूर लंग ने और जोर से हंस के कहा, क्या बात कर रहे हो, अपना असली नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस शख्स ने, अंधे शख्स ने कहा, मेरा नाम दौलत है। तो तैमूर लंग ने कहा कि कैसे? उसने कहा, अगर दौलत ना होता मैं, दौलत अंधी होती है, तभी लंगड़े शख्स के पास आई है। यही हालत इस वक्त इक्तदार पर बैठे हुए लोगों की हो गई है। उन्हें ताकत मिल गई है तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस जमहूरियत को कैसे चलाना है। और जिस तरह से हर दिन जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, मैं चार मिसरे पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं कि 3 साल में कोई सबक ना दे पाए, 3 साल में कोई सबक ना दे, रिश्तों का एहसास तलक ना दे पाए, 3 साल में कोई सबक ना दे पाए, रिश्तों का एहसास तलक ना दे पाए, 3 तलाक पे अब वो भाषण देते हैं जो अपनी बीवी को हक ना दे पाए, जो